नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस का चैप्टर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपके साथ। इस चैप्टर का एक टॉपिक रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड, इसके बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, जिस प्रोसीजर्स के द्वारा कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लैबोरेटरी, या हम कह सकते हैं एसेंशियल्स फॉर बॉन्डेड लैबोरेटरी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड को यदि हमें डिफाइन करना हो तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। सपोज करें कि कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशंस है या कोई भी टॉयलेट प्रिपरेशंस है जहाँ पे इथाइल अल्कोहल मीन्स अल्कोहल का यूज़ या नारकोटिक ड्रग्स लाइक इंडियन हैम्प और ओपियम का यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर को अपने फॉर्मुलेशंस के ऊपर कुछ एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती हैं। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट है वो पेमेंट की जाएगी जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फॉर्मुलेशन प्रोसेस एंड जस्ट बिफोर रिलीज ऑफ फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशंस और फिनिश्ड टॉयलेट प्रिपरेशंस टू द मार्केट। मीन्स कि इस मेडिसिनल प्रिपरेशंस को, टॉयलेट प्रिपरेशंस को हम मार्केट के लिए रिलीज़ कर रहे हैं, रिलीज़ करने से जस्ट पहले हमें उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट करनी पड़ेगी और इस पर्पस के लिए जो लाइसेंस इशू की जाती हैं उस लाइसेंस को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड। आज हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड के जो लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस हैं उस लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस में एक बॉन्डेड लैबोरेटरी होनी चाहिए और उस बॉन्डेड लैबोरेटरी की क्या कंस्ट्रक्शन होगी, उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल्स होनी चाहिए, इन सभी चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्डेड लैबोरेटरी और एसेंशियल्स फॉर बॉन्डेड लैबोरेटरी। अब हमें ये मालूम हो गया कि जो बॉन्डेड लैबोरेटरी हैं ये बॉन्डेड लैबोरेटरी कहाँ पे पाई जाएंगे, तो इन लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड। जो भी लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस हैं जहाँ पे बॉन्डेड लैबोरेटरी है वहाँ पे उस बॉन्डेड लैबोरेटरी में कुछ रूम्स होंगे, कुछ स्पेशल रूम्स होंगे और उनमें से जो सबसे पहला रूम है दैट इज़ द स्पिरिट स्टोर। मीन्स कि हर एक बॉन्डेड लैबोरेटरी के अंदर एक स्पिरिट स्टोर होगा जहाँ पे हम अल्कोहल को स्टोर करेंगे, रॉ अल्कोहल को, क्रूड अल्कोहल को स्टोर करेंगे और उस रूम को हम लोग नाम देंगे इट इज़ स्पिरिट स्टोर। अब ये जो स्पिरिट स्टोर है वो बॉन्डेड लैबोरेटरी में है, लेकिन सपोज करें कि ये जो बॉन्डेड लैबोरेटरी है ये बॉन्डेड लैबोरेटरी अटैच्ड है किसी स्पिरिट वेयर हाउस से या स्पिरिट डिस्टिलरी से। हम वर्ड यूज़ क्या कर रहे हैं, स्पिरिट वेयर हाउस और स्पिरिट डिस्टिलरी। स्पिरिट वेयर हाउस का मतलब हो गया कि वैसा बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में स्पिरिट को, रेक्टिफाइड स्पिरिट को या आप कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल को बल्क में स्टोर किया जाता है, उस बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं स्पिरिट वेयर हाउस। या दूसरा वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ स्पिरिट डिस्टिलरी। स्पिरिट डिस्टिलरी का मतलब हुआ कि वैसा इंडस्ट्री जहाँ पे इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को या इथाइल अल्कोहल को या आप कह सकते हैं अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम उस इंडस्ट्री का नाम देते हैं डिस्टिलरी। यदि ये बॉन्डेड लैबोरेटरी किसी डिस्टिलरी से या किसी स्पिरिट वेयर हाउस के साथ अटैच्ड है, वहाँ पे उस बॉन्डेड लैबोरेटरी में स्पिरिट स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसकी नेसेसिटी नहीं है। मीन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को जब भी स्पिरिट की आवश्यकता महसूस होंगी, वो इस स्पिरिट वेयर हाउस से या स्पिरिट डिस्टिलरी से उस स्पिरिट को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स पहला क्या रिक्वायरमेंट हो गया कि देयर शुड बी वन स्पिरिट स्टोर इन अ बॉन्डेड लैबोरेटरी। सेकेंड कि उस बॉन्डेड लैबोरेटरी के अंदर एक रूम होना चाहिए, एक प्रिपरेशन रूम होना चाहिए जहाँ पे हम मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उसकी हम लोग प्रिपरेशन कर सकें। मीन्स वन लार्ज रूम टू मैन्युफैक्चर मेडिसिनल प्रिपरेशंस। यदि उस बॉन्डेड लैबोरेटरी में टॉयलेट प्रिपरेशंस की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, उस कंडीशन में वन सेपरेट रूम टू मैन्युफैक्चर दीज टॉयलेट प्रिपरेशंस। नेक्स्ट रूम कि यदि जो बॉन्डेड लैबोरेटरी है वहाँ पे हम मेडिसिनल प्रिपरेशंस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो एक रूम होना चाहिए टू स्टोर फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशंस या फिनिश्ड गुड्स कंटेनिंग मेडिसिनल प्रिपरेशंस। और यदि वहाँ पर टॉयलेट प्रिपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी एक सेपरेट रूम होगी टू स्टोर द फिनिश्ड टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे कितने रूम हो गए, एक बार हम री काउंट करते हैं। नंबर वन, वन स्पिरिट स्टोर टू स्टोर रॉ रेक्टिफाइड स्पिरिट और रॉ इथाइल अल्कोहल और सिंपली यू कैन से रॉ अल्कोहल। सेकेंड रूम इज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिनल प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और नारकोटिक प्रोडक्ट्स। थर्ड रूम, वन सेपरेट रूम टू मैन्युफैक्चर टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स। फोर्थ रूम टू स्टोर फिनिश्ड मेडिसिनल प्रिपरेशंस एंड फिफ्थ रूम टू स्टोर फिनिश्ड टॉयलेट प्रिपरेशंस। इन रूम्स के अलावा यदि बॉन्डेड लेबोरेटरी में एक्साइज ऑफिसर है, एक परमानेंट एक्साइज ऑफिसर को डिप्यूट किया गया है, उस कंडीशन में देयर शुड बी वन एकोमोडेशन फॉर द एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन और रिगार्डिंग रूम्स अवेलेबल इन द बॉन्डेड लेबोरेटरी। अब हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो बॉन्डेड लेबोरेटरी है उसके अंदर जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनका जो प्लान और एलिवेशंस हैं वहाँ पे वो प्लान एंड एलिवेशंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि बॉन्डेड लैबोरेटरी के अंदर जितने भी विंडोज़ होंगी उन सभी विंडोज़ पे मैलिएबल आयरन रॉड लगी हुई होनी चाहिए और इस मैलिएबल आयरन रॉड की थिकनेस 19 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि आयरन रॉड होता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया दैट इज़ द मैलिएबल, तो हम किसे कहेंगे? इट इज़ ए मैलिएबल आयरन रॉड। आपने कहावत सुना होगा कि हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, मीन्स ही इज़ ए आयरन मैन। हम कहेंगे ये आयरन मैन है, आयरन पर्सन है जो अपने आप पे अड़िग है और जिस काम को ये कर रहे हैं उस काम को करते हुए ये टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट है दैट इज़ मैलिएबल आयरन। मैलिएबल आयरन का मतलब हुआ कि ये परिस्थिति के अनुसार झुक तो सकता है लेकिन टूटेगा नहीं, मीन्स कि वैसा आयरन जिस आयरन को हम हैमर के थ्रू स्ट्राइक करके उनके शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको हम बेंड कर सकते हो, उसे हम डक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे हम कोई एंगल बना सकते हो, तब हम उस आयरन को कहेंगे इट इज़ मैलिएबल आयरन रॉड। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि जो विंडोज़ होंगी उस विंडोज़ पे एक मैलिएबल आयरन रॉड लगी हुई होनी चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी मैलिएबल आयरन रॉड्स लगी हुई होनी चाहिए जिसकी थिकनेस 19 मिलीमीटर से कम न हो। विंडोज़ पे जो ये मैलिएबल आयरन रॉड्स लगी होंगी वहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि दो आयरन रॉड के बीच का जो गैप है दैट शुड नॉट मोर देन 102 मिलीमीटर। और ये आयरन रॉड, ये मैलिएबल आयरन रॉड दीवार के अंदर फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक वुडन फ्रेम बनाया और वुडन फ्रेम में इस आयरन रॉड को फिक्स करके विंडो को बना लिया। यहाँ पर इस बात का स्पेशल मेंशन किया गया है कि जो आयरन रॉड होंगी विंडोज़ के ऊपर वो ब्रिक्स के अंदर, ईंटों के अंदर, दीवार के अंदर कम से कम 51 मिलीमीटर तक embedded हो, means iron rod should be embedded in wall up to 51 millimeter depth। अब ये जो iron rods होंगी, iron rods की window बन गई, इस window के ऊपर एक metallic net, वायर नेट लगाई जाएंगी और जब हम वायर नेट लगाएंगे वहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वायर नेट का जो मेश साइज है, मेश साइज मीन्स कि जो वायर नेट है उस नेट के अंदर जो होल्स होंगी उन होल्स की डायमीटर शुड नॉट मोर देन 25 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि जो विंडो है उस विंडो के ऊपर मैलिएबल आयरन रॉड लगी होंगी। मैलिएबल आयरन रॉड की थिकनेस 19 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दो रॉड्स के बीच का गैप 102 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आयरन रॉड दीवार के अंदर फिक्स होनी चाहिए और जो डेप्थ है वो 51 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और इनके ऊपर जो वायर मेश लगी हुई हैं, वायर नेट लगी हुई हैं, उस वायर नेट के अंदर जो होल्स हैं उन होल्स का साइज 25 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हम लोग रूम्स के बारे में जानते हैं कि रूम्स की क्या स्पेसिफिकेशन है। हम लोग ये जान चुके हैं कि बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। तो सबसे पहला काम लाइसेंसी ये करेंगे कि बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर जितने भी रूम्स हैं सभी रूम्स के ऊपर उसका नाम लिखा जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए इस रूम का हम यूज कर रहे हैं और उसका क्या सीरियल नंबर है। और ये जो नाम लिखा जाएगा इट शुड बी रिटेन बाय यूजिंग ऑयल पेंट, मीन्स जो रूम है, रूम का जो आउटर वॉल होगा जहाँ पे रूम की एंट्रेंस है उस एंट्रेंस के पास दीवार के ऊपर ऑयल पेंट से रूम नंबर एंड पर्पस ऑफ द रूम लिखा हुआ होना चाहिए। कलर कुछ भी हो, कलर के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बस ये है कि इट शुड बी ऑयल पेंट। जो हमारी बॉन्डेड लेबोरेटरी बनेंगी उस बॉन्डेड लेबोरेटरी के अंदर एक जनरल ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए ताकि उस बॉन्डेड लेबोरेटरी में जो भी वॉश बेसिन है, सिंक है, वाटर टैप है, उन सभी सिंक या वॉश बेसिन का जो पाइप है वो पाइप पे, जो ड्रेनेज पाइप है वो ड्रेनेज पाइप पे जनरल ड्रेनेज पाइप के साथ अटैच्ड हो। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई उस बॉन्डेड लेबोरेटरी का इस तरह से होनी चाहिए कि एक मेन स्विच है और यदि उस मेन स्विच को ऑफ कर दिया जाए, उस मेन स्विच को बंद कर दिया जाए तो पूरे बॉन्डेड लेबोरेटरी के इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से जो बॉन्डेड लेबोरेटरी होंगी वहाँ पे हमें बर्नर्स की या गैस स्टोव्स की आवश्यकता होगी टू मैन्युफैक्चर मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस। तो वहाँ पे जो गैस कनेक्शंस हैं, गैस पाइप्स हैं, उसके लिए भी एक मेन स्विच होगा जिसके द्वारा हम उसके गैस सप्लाई को कट कर सकें या उस गैस सप्लाई को बंद कर सकें। मीन्स यहाँ पे दो पॉइंट बताएगी, थ्री पॉइंट्स बताएगी। पहला पॉइंट कि ईच बॉन्डेड लेबोरेटरी शुड हैव ड्रेनेज सिस्टम, ईच पाइप्स फ्रॉम द सिंक और वॉश बेसिन और वाटर टैप शुड बी attached with this general drainage system. There should be arrangement to cut off electric supply through a main switch. Similarly, there should be one main switch to cut off gas supply in laboratory. जब हम लेबोरेटरी के अंदर मीन्स बॉन्डेड लेबोरेटरी में वर्क स्टार्ट करेंगे तो हम गैस कनेक्शन को और इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन कर देंगे। और जब बॉन्डेड लेबोरेटरी का वर्किंग बंद होंगी, बॉन्डेड लेबोरेटरी क्लोज होंगी, उस समय हम इस गैस सप्लाई को और इलेक्ट्रिक सप्लाई का कट ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द बॉन्डेड लेबोरेटरी रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई, गैस सप्लाई, जनरल ड्रेनेज सिस्टम एंड विंडोज। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार बॉन्डेड लैबोरेटरी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और वो एक्साइज कमिश्नर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, उस कंडीशन में उसके बाद हम किसी भी तरह का उस बॉन्डेड लैबोरेटरी में कोई एडिशन या कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द एक्साइज कमिश्नर। बॉन्डेड लैबोरेटरी जब कंप्लीट होगी उसके बाद उसके बॉन्डेड लैबोरेटरी का प्लान की ट्रिप्लिकेट कॉपी, 3 कॉपी एक्साइज कमिश्नर को सबमिट किया जाएगा फॉर द अप्रूवल। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं कि हर एक बॉन्डेड लैबोरेटरी में सिर्फ एक एंट्रेंस होगा, मीन्स देयर विल बी वन मेन एंट्रेंस टू एंटर इनटू बॉन्डेड लैबोरेटरी। और यदि किसी कारण से वहाँ ज़्यादा एंट्रेंस की आवश्यकता है तो एक से ज़्यादा एंट्रेंस हो सकती हैं, बट आफ्टर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस को एक्साइज ऑफिसर अपने सील से क्लोज करेंगे, लॉक एंड की में रखेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक्साइज कमिश्नर के प्रेजेंस में बॉन्डेड लैबोरेटरी ओपन होंगी और जब बॉन्डेड लैबोरेटरी के अंदर वर्किंग कंप्लीट हो गई, इवनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, तो एक्साइज ऑफिसर इस एंट्रेंस को सील कर देंगे अपने सील के द्वारा विद द टिकेट लॉक। उसे हम लोग कहते हैं टिकेट लॉक। एक्साइज सील का मतलब क्या हो गया? एक्साइज टिकेट लॉक्स। ठीक इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि जितने भी रूम्स हम लोगों ने ऊपर स्टडी किया, उन सभी रूम्स में सिर्फ एक एंट्रेंस ही होगी, मीन्स देयर शुड बी ओनली वन एंट्रेंस, ओनली वन डोर फॉर ईच रूम। यहाँ पर भी यदि एक से ज़्यादा एंट्रेंस की आवश्यकता है तो उस कंडीशन में ये तभी पॉसिबल है जब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए परमिट करेंगे। हर एक रूम्स को भी एक्साइज कमिश्नर अपने लॉक से, अपने जो उनके लॉक टिकट्स हैं उस लॉक टिकट से सील करेंगे, मीन्स एक्साइज कमिश्नर के एक्साइज ऑफिसर के प्रेजेंस में ये एक्साइज टिकेट लॉक ओपन की जाएंगी, लैबोरेटरी के अंदर वर्किंग होंगी और उनके एब्सेंट में जैसे लैबोरेटरी की वर्किंग बंद हो गई, एक्साइज ऑफिसर हर एक रूम को अपने एक्साइज टिकेट लॉक से क्लोज करेंगे और जो वहाँ का जो मेन एंट्रेंस है उस मेन एंट्रेंस को भी एक्साइज टिकेट लॉक से क्लोज करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि बॉन्डेड लैबोरेटरी का क्या कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं कि बॉन्डेड लैबोरेटरी के अंदर परमानेंट कंटेनर्स या आप कह सकते हैं वेसल्स होनी चाहिए टू स्टोर स्पिरिट और नारकोटिक ड्रग्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स। और ये जो कंटेनर्स होंगी इट विल ऑल्सो बी सील्ड बाय द एक्साइज, सील्ड विथ एक्साइज टिकेट लॉक्स बाय एक्साइज ऑफिसर। इन सभी कंटेनर्स के ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है वो भी लिखी हुई होनी चाहिए। यदि उस कंटेनर के अंदर अल्कोहल या नारकोटिक ड्रग्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स स्टोर की गई हैं, उस कंडीशन में उस प्रिपरेशंस का कंप्लीट डिटेल्स लाइक नेम ऑफ प्रिपरेशंस, अमाउंट ऑफ प्रिपरेशंस, alcoholic strength in preparations, date of storage etc. लिखी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये स्टडी कर लिया कि बॉन्डेड लैबोरेटरी का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा या उसकी क्या क्या एसेंशियल्स हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो ये रूल्स हैं दो हैं, दो एक्ट हैं। एक का नाम देते हम लोग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 और दूसरा हमारा है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन रूल्स 1956। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको बताई गई, ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं इन मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशंस रूल्स 1956। और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं इन रूल नंबर 23 एंड 24 अंडर चैप्टर 4 ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन रूल्स 1956। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉन्डेड लैबोरेटरी। मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को समझाने में मैं कामयाब रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट बना रहा होगा थ्रू आउट दिस वीडियो और थ्रू आउट दिस क्लास। फिर भी यदि कहीं पे कोई डाउट है तो डाउट आप ज़रूर पूछें, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो हमें फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास फॉर सच लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स अ लॉट।